एक कथा आती है कि रात का समय था, आधी रात को भगवान श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि कृष्ण कहीं जा रहे हैं, तो वैसे तो भरोसा था, पर युधिष्ठिर को लगा जरा देखूं तो सही कहाँ जा रहे हैं, ये टेढ़े इनका कोई भरोसा नहीं, पता चले दुर्योधन को जाके कुछ सिखा पढ़ा रहे हो। मन में संशय आ गया, युधिष्ठिर पीछे पीछे गए भगवान के, भगवान आगे आगे। तो भगवान कहाँ पहुंचे, भगवान अर्जुन के शिविर में। युधिष्ठिर बोला भाई चलो फिर ठीक है, अर्जुन के पास आए तो मतलब फिर ठीक है। अर्जुन के शिविर में भगवान भीतर घुसे, युधिष्ठिर जी भी पीछे पीछे गए छुप के देख रहे, तो जाके क्या देखा, अर्जुन सो रहा था सैया पर, और कृष्ण जाकर के अर्जुन के चरणों की ओर बैठ गए, और चरणों की ओर बैठ करके श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबाने लगे, पैर दबाने लगे। ये देख करके महाराज युधिष्ठिर की आंखें भर आई, भाग करके आए और आकर के कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। हे कृष्ण, ये तुम क्या कर रहे हो, इस बेचारे अर्जुन पे तुम पाप चढ़ा रहे हो, ये तो निद्रा में, इसको तो ध्यान भी नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन पांव दबा रहा है, और आप इस पे पाप चढ़ा रहे हो, अपराध चढ़ा रहे हो। भगवान कहते नहीं, युधिष्ठिर में पाप नहीं चढ़ा रहा, इसकी शरणागति का फल है। बोले कैसी शरणागति, आ देख। भगवान कृष्ण लेके गए और अर्जुन के मुख की ओर युधिष्ठिर का कान लगा और कहा कि सुन। युधिष्ठिर ने कान लगा के सुना तो सोते सोते नींद में भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, निद्रा में भी अर्जुन के मुंह से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण।